फ्रॉम एक्वाटेक ब्लॉगर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि हम लोग कैसे एक चीप और ड्यूरेबल जेब्रा फिश डायनो का ब्रीडिंग सेटअप बना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली जो आपको चीज़ चाहिए होगी वो आपको एक बकेट चाहिए होगी जिसमें पूरा वाटर फिल हो, ठीक है। सेकेंड चीज़ में आपको एक टोकरी चाहिए होगी। थर्ड में आपको अपनी जेब्रा डायनोज चाहिए होंगी, ठीक है। मेल फीमेल का आप सिलेक्शन कर लीजिएगा। डायनोज में मेरे पास तो है, ठीक है। और उसके बाद आपको टोकरी जो लेनी होगी उसमें ध्यान दीजिए कि यहाँ छेद हो, जैसे यहाँ पे है। अब देखिए यहाँ पे छेद हैं इसमें पूरे, यहाँ साइड में भी हैं, यहाँ भी हैं, यहाँ के बंद है लेकिन मैंने खोल दिए हैं। और आपको टोकरी में ये भी ध्यान देना है कि ये ऐसे फिट हो जाए, मतलब एकदम अंदर फिट हो जाए, ना कि पूरी एकदम नीचे चली जाए, उसके बकेट के बॉटम में सिंक कर जाए। और फ्रेंड्स, इसके बाद हम लोगों को यहाँ पर लेनी है एंटी इच की दवा, क्योंकि जब एग्स आते हैं तो उनको एंटी फंगल ब्लूम हो जाता है। तो मैंने इतना ड्रॉप्स डाल दिए यहाँ पे, आप देख सकते हैं। और अगर आप नया पानी ले रहे हैं तो वो डाल दीजिएगा, एंटी क्लोरीन डाल दीजिएगा, नहीं तो पुराना पानी ले रहे हैं तो वही नॉर्मल, ठीक है। ये देखिए मैंने मिक्स कर ली है पूरी दवा अच्छे से, मेरे हाथ भी थोड़ा थोड़ा ब्लू हो गया, बट कोई बात नहीं। अब हम लोग अपनी जेब्रास को ऐड करते हैं। फ्रेंड्स, ये देखिए ये फिश जो है ये फिश है, ये फीमेल है, क्योंकि इसका आप साइज देख रहे होंगे एकदम मोटा सा है। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए आप फ्रेंड्स देख रहे हैं, ये एकदम मोटी सी फिश है, ये फीमेल है। तो मैं पहले फीमेल को रिलीज करता हूँ, ये देखिए फीमेल गई। अब मेल्स को मैं दिखाता हूँ, मेल्स देखिए आप एकदम पतले हैं, देख रहे हैं। अब मेल्स जंप भी करते हैं, फीमेल जंप नहीं करती। ए देखा आपने, ये जंप कर गया, इसे पकड़ने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन फिर भी हम ट्राई करते हैं। पकड़ लिया मैंने, डाल भी दिया, और उसमें एंटी इच है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई फंगस अगर आया होगा तो। फिर मैं इन्हें जल्दी जल्दी छोड़ दे रहा हूँ, क्योंकि फिर ये नहीं तो ब्लू वो करने लगे, कूदने लगेंगे। ये देखिए मैंने छोड़ दिया सबको। अब फ्रेंड्स, जहाँ से मैंने सबको छोड़ दिया, अब उसके बाद जैसे आप देख सकते हैं ये लोग अभी पहले पूरा टैंक को एक्सप्लोर करेंगे, जो नया इनका होम है वैसे फ़िलहाल 1-2 आवर के लिए, उसके बाद ये ब्रीडिंग स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आपको अपडेट दूंगा उसकी भी, बस मैं आपको 2 आवर्स बाद मिलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, बाय फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, जैसा आप देख सकते हैं 2 आवर बाद चेजिंग शुरू हो गई है, जैसे आप देख सकते हैं। लेकिन ब्रीडिंग कल सुबह तक आपको नीचे बॉटम में एग्स दिख जाएंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए अगले अपडेट तक के लिए वेट करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग मिलेंगे कल सुबह, ठीक है फ्रेंड्स, बाय फ्रेंड्स, गुड नाइट। हेलो फ्रेंड्स, लास्ट हमारी बात हुई थी अभी 2 आवर्स पहले, यानी हम लोगों की बात हुई थी 6 o'clock पे मेरे टाइम के हिसाब से। और फ्रेंड्स, लेकिन 2 आवर्स में मेरे को लगा सुबह एग्स देगी, लेकिन अभी एग्स हो रहे हैं, उसी का मैं आपको अपडेट देना चाह रहा था। ये देखिए मैं आपको क्लोजअप दिखाता हूँ इसका, जो कि वो रन करती रहती है ना, तो एग्स नीचे भी गिर सकते हैं। आप सामने एक एक देख रहे हैं, ये देखिए दिख रहा होगा आपको सामने एकदम, दिख रहा है जो आपको छोटा सा वो दिख रहा है, जिसमें कि आपको वो लग रहा है कि वो बॉल टाइप का है, लेकिन वो एग है। आप वैसे देख सकते हैं, ये देखिए आप ज़्यादा क्लियर है, आप देखिए। और ज़ेब्रा फिश को मैं आपको अभी दिखाता हूँ, ज़ेब्राज ये रही, ज़ेब्राज ये रही, आप जैसे देख सकते हैं, ये रही मेट, मेटिंग प्रोसेस, इन मेटिंग प्रोसेस। नाउ यहाँ पे आप मेरे को कुछ और भी दिख रहे हैं एक्स, मैं आपको दिखाता हूँ, विजिबल हूँ आपको, तो देख रहे हैं आपको विजिबल है, और सब ये नीचे फॉल कर जा रहे हैं जिससे कि ये खा नहीं पा रही है। तो फ्रेंड्स, जैसा आप देख रहे हैं, मैंने आपको पूरा ब्रीडिंग सेटअप दिखा दिया। अब मैं आपको हैचिंग का अगला एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा कि आप ज़ेब्रा फिश के बेबीज को कैसे हैच करें। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हाँ शेयर करना ना भूलिएगा। बाय फ्रेंड्स।